नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर में। आज हम हैं उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जो बसा है शिप्रा नदी के तट पर और भारत के सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। उनमें से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर या महाकाल के रूप में और दूसरा है ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर और संपूर्ण उज्जैन दर्शन, वो भी सबसे कम खर्चे में, की संपूर्ण जानकारी जैसे मंदिर के टाइमिंग्स, प्राइस, बजट, भस्म आरती कैसे लें आदि इत्यादि, इससे पहले वाली वीडियो में दे दी गई है, जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं कैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, क्या टाइमिंग्स हैं और क्या प्राइसिंग रहेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्या मोड्स हैं वहां पहुंचने के, क्या बजट होगा आपका, सबसे कम खर्चे में कैसे पहुंचा जाए, कैसे दर्शन किए जाएँ, कितने दिन और कितना टाइम लगेगा, और अगर आप दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही दिन में दर्शन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ये जानकर कि ओमकारेश्वर पहुंचा कैसे जाए। तो मैं आपको बता दूं कि उज्जैन से ओमकारेश्वर आप बाय रोड कैसे भी पहुंच सकते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर है। आप चाहें तो कैब कर सकते हैं डायरेक्ट उज्जैन से ओमकारेश्वर की, आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए डायरेक्ट बसेस मिलती हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज काफ़ी कम हैं गवर्नमेंट बस की अगर मैं बात करूं, और वापसी में भी ओमकारेश्वर से भी उज्जैन की बसेस की सर्विसेज काफ़ी कम हैं। आप चाहें तो बाइक रेंट लेकर भी ओमकारेश्वर जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उज्जैन से इंदौर पहले आप ट्रेन में जा सकते हैं और फिर इंदौर से ओमकारेश्वर, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से डायरेक्ट बस की सर्विसेज भी अच्छी है, तो आप वहां से ओमकारेश्वर जा सकते हैं। और ये सर्विसेज सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है और हर आधे घंटे एक घंटे में आपको वहां से ओमकारेश्वर की बस मिल जाएगी। और आप चाहें तो इंदौर से कैब या फिर अगेन रेंटल बाइक से भी जा सकते हैं। इन सब का प्राइस हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे जब बजट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस आपको हरसिद्धि चौराहे से मिलेंगी, जो सुबह 8:30 बजे ओमकारेश्वर के लिए रवाना होती है, और इसमें टिकट की रिजर्वेशन आप एक रात पहले भी करवा सकते हैं। आपको ये बस ओमकारेश्वर के स्टैंड पर उतारेगी और वहां से आपको पर सवारी 10 रुपए में ऑटो मिलेगा, जो आपको नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर मंदिर के पास उतारेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्रतम नदियों में से एक माना गया है। कहा जाता है जमुना जी के 15 स्नान, गंगा जी के 7 स्नान और नर्मदा जी के दर्शन मात्र बराबर ही हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पहुँचकर एक पावन डुबकी मार सकते हैं। आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने के लिए नर्मदा जी को पार करना पड़ता ही है। तो आप मंदिर परिसर में चाहें तो वहां पार्किंग के पास बने एक पुल से जा सकते हैं, या आप चाहें तो नर्मदा नदी को फेरी या बोट से भी पार कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 20 रुपए से 25 रुपए। ये आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप आते हुए या जाते हुए एटलीस्ट एक बार बोट राइड जरूर कर लें, क्योंकि उस बोट राइड में नर्मदा जी के दृश्य से जो असीम आनंद और शांति की अनुभूति होती है, उसका कोई सानी नहीं है। ओमकारेश्वर को पहले ओमकार पर्वत कहा जाता था, क्योंकि यह ऊपर से देखने पर ओम की आकृति वाला पर्वत है। कहा जाता है ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण नर्मदा जी से स्वतः ही हुआ है, किसी ने इसे बनाया नहीं है। इसे मंधाता द्वीप या शिवपुरी द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मंधाता ने यहाँ नर्मदा जी के किनारे घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे वर के रूप में यहीं निवास करने को कहा, तो तब से ही शिव जी यहाँ निवास करते हैं। तो नर्मदा नदी से या सेतु से हम गए मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। अंदर जाने का रास्ता एक सीढ़ी नुमा रास्ता है। बता दें कि यहाँ पुजारी जी को कुछ रुपए देकर आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं बिना लाइन में लगे हुए, लेकिन अगर आप ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आ रहे हैं तो कुछ तो कष्ट अवश्य सहें। ओमकारेश्वर मंदिर का द्वार काफी छोटा है, लगता है जैसे एक गुफा में जा रहे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रथम तल पर विराजमान है। यह लिंग अनगढ़ है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है, पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको असीम आनंद की अनुभूति देंगे,
और मन प्रसन्नता से कहेगा हर हर महादेव। जैसे ही आपके दर्शन हो जाएं, आप वापस नर्मदा जी के तट पर आ जाइए, चाहे बोट से या सेतु से, फिर यहां आकर नदी के दक्षिण दिशा में स्थित ममलेश्वर मंदिर के दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल मानी जाएगी, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर ममलेश्वर के संयुक्त नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु चाहें तो पहले ममलेश्वर के दर्शन करके तब नर्मदा जी पार करके ओमकारेश्वर जा सकते हैं, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन करने का ही है। दोनों दर्शन करने के पश्चात श्रद्धालु वहां से वापस जैसे गए थे वैसे आ सकते हैं। अगर कैब है तो कैब में, रेंटल बाइक है तो रेंटल बाइक से, या फिर वही 10 रुपए का ऑटो पकड़कर ओमकारेश्वर बस स्टैंड, फिर बस से इंदौर या उज्जैन जा सकते हैं। इंदौर की डायरेक्ट बस की सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, हर आधे घंटे या एक घंटे में आपको बस मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब दर्शन करने के बाद अब हम बात करते हैं बजट की। अगर आप कैब से जा रहे हैं तो आपको उज्जैन से कैब पड़ेगी करीबन 3,000 से 3,200 रुपये के बीच, बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर है। अगर आप रेंटल बाइक से जाना चाहते हैं तो पर डे 350 के हिसाब से आपको रेंटल बाइक या स्कूटी मिलेगी। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो उज्जैन से ओमकारेश्वर डायरेक्ट बस नॉन एसी के 320 रुपये और एसी के 400 रुपये पर पर्सन पड़ेगी, और एज पर बस बुक्ड एंड सीट बुक्ड। यह आपका अप एंड डाउन दोनों का किराया है। इसमें 4 घंटा जाना, 4 घंटा आना और 4 घंटे के दर्शन का टाइमिंग है। यह हम आपको प्राइवेट बस का बता रहे हैं। यह सुबह 8:30 बजे जाती है हरसिद्धि चौराहे से, और हरसिद्धि चौराहे से ही वहां पर आप बस बुक करवा सकते हैं एक रात पहले जाकर। और अगर आप ब्रेक जर्नी करना चाहते हैं तो आप उज्जैन से इंदौर ट्रेन में जाइए, जिसका चार्ज 60 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है एज पर कोच रिजर्व्ड, सेकेंड सिटिंग या एसी कोच। फिर इंदौर से बस में 140 रुपए का टिकट लेकर ओमकारेश्वर पहुँच सकते हैं। अगर आप डे 1 में पूरा उज्जैन कवर कर चुके हैं तो डे 2 की मॉर्निंग में 3 बजे की ट्रेन पकड़कर इंदौर पहुंचकर 5 बजे वाली बस से ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। फिर जल्दी ही दर्शन करके वापस जल्दी ही इंदौर आ सकते हैं, और इंदौर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप इंदौर से अपने गंतव्य स्थान की भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको एक दिन में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ममलेश्वर के दर्शन करने हैं तो कैसे किए जाएं? तो आप अपने गृह स्थान से ऐसी ट्रेन, बस या फ्लाइट देखें जो आपको उज्जैन सुबह जल्दी ही पहुंचा दे। अगर आप बस मारती बुक करके आ रहे हैं तो उस वक्त की ट्रेन देखिएगा, और फिर सुबह जल्दी ही महाकालेश्वर के दर्शन के बाद कैब कीजिए और निकल जाइए ओमकारेश्वर ममलेश्वर जी के दर्शन करने। उज्जैन से आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे कैब से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद ममलेश्वर जी के दर्शन कीजिए और वापस उसी कैब में इंदौर या उज्जैन आ जाइए। फिर इंदौर या उज्जैन से आप अपने गृह स्थान की ट्रेन, बस या फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो इस तरह आप एक ही दिन में चाहे तो दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप उज्जैन का संपूर्ण दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उज्जैन में महाकालेश्वर के अलावा भी काफ़ी प्रतिष्ठित और मान्यता वाले मंदिर हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आप कैसे उज्जैन पूरा घूम सकते हैं। तो निर्णय आपका है, आप चाहें तो एक दिन में सिर्फ दोनों ज्योतिर्लिंग करके वापस जा सकते हैं, और 2 दिन का टाइम लेकर आइए। एक दिन आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए और दूसरे दिन ओमकारेश्वर ममलेश्वर जी के दर्शन कीजिए। इससे आपका टूर हेक्टिक भी नहीं होगा और कोई टूर में भागम भाग भी नहीं रहेगी, और आप उज्जैन का संपूर्ण दर्शन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जानी उज्जैन से ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने की संपूर्ण जानकारी, और अगर आप चाहें तो कैसे एक ही दिन में ममलेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और शहर और हिडन जेम्स और जानकारी के साथ। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ जो उज्जैन आ रहे हैं और उन्हें ओमकारेश्वर भी जाना हो तो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हैं पॉकेट ट्रैवलर चैनल पर, और हम लाते हैं आपके लिए सबसे कम बजट में ट्रिप कैसे करें उसकी संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।